सभी लोगों ने अपना मतदान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय करुणाकांत मौर्या जी को दिया है। स्नातक एमएलसी के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी। आज एक खंड स्नातक का जो चुनाव हुआ हमारे ज़िले में सभी ब्लॉकों पे और नगर पालिका में जिला पंचायत पे सभी हमारे पार्टी के नेता पदाधिकारी और हमारी पार्टी के जो एजेंट थे सब लोगों ने सुबह से लेके अभी तक पार्टी के लिए काम किया है और मतदाताओं से वोट डलवाया है और हमें उम्मीद है कि हमारे जनपद के जो सरकारी कर्मचारी हैं वित्त विहीन शिक्षक हैं अनुदेशक हैं शिक्षा मित्र हैं और जो युवा बेरोजगार हैं स्नातक सभी लोगों ने अपना मतदान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय करुणाकांत मौर्या जी को दिया है और हमें उम्मीद है कि हमारे प्रत्याशी श्री करुणाकांत मौर्या जी भारी मतों से विजयी हो गए और समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करेंगे। वोटरों में जबरदस्त उत्साह था, कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से इस अभियान को लेकर जो है घर घर पर्ची बांटने का काम किया उससे वोटर घर घर से निकले और अब तक के इतिहास में सुल्तानपुर जिले में सबसे अधिक मतदान इस बार हुआ है। उसका मेन कारण संगठन की मेहनत रही और कार्यकर्ताओं का बल रहा। निश्चित तौर पर 65% से अधिक मतदान हुआ इन बूथों पे, जिससे लगा कि हाँ लोग वोटों के प्रति जागरूक हो रहे हैं, कहीं न कहीं शासन सत्ता का सहयोग करके उनके प्रति मंशा और व्यवहार ठीक है और इसीलिए वोट की संख्या बढ़ रही है। बदलाव कुछ रहेगा नहीं, बदलाव की कोई नहीं, जो प्रत्याशी जो है वो नरेंद्र मोदी का नाम लेके आगे बढ़ता जा रहा है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में स्नातक एमएलसी के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने जा रहा है। बदलाव निश्चित तौर पर बदलाव दिख रहा है, बदलाव को देखते हुए ही वोट का परसेंटेज बढ़ा है, नहीं तो वोट परसेंट हमेशा 30-40% रहता था। 65% सुल्तानपुर जिले में मतदान होना यह बताता है कि निश्चित तौर पर बदलाव के कारण हो रहा है ये। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।